तो बात करते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस की यार। ठीक है, सेकेटरी के अंदर क्वेश्चन आता है यार अल्कोहल डिपेंडेंस के ऊपर। सो व्हाट इज़ अल्कोहल डिपेंडेंस? इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक पैटर्न ऑफ अल्कोहल यूज़, जिससे क्या हो जाता है, कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर्स होते हैं इसके, और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लमेटिक पैटर्न ऑफ एल्कोहल यूज लीड टू साइकोलॉजिकल बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल फीचर्स। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें इसके अंदर, सो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, लॉस ऑफ कंट्रोल, है ना, कंटिन्यू टू यूज डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, मेनली हम यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स के अंदर वो नहीं बता रहे हैं कि हार्ट रेट बढ़ जाएगा ये सब चीज़, हम यहाँ पे जो साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे डिजायर मतलब लॉस ऑफ मोटिवेशन देखने को मिलता है यार। डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग होता है पर वो कर नहीं पाता, रुक नहीं पाता, एंड क्रेविंग देखने को मिलता है सुबह सुबह उठ के, यही चाहेगा वो। टॉलरेंस की अब कम डोज में, कम पैक से कुछ नहीं होने वाला, अब ज़्यादा पीना पड़ता है ना। विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं लाइक एंग्जाइटी, स्वेटिंग, ट्रेमर्स, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो दूसरे के यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक न्यूरोसाइकेट्रिक एंड एक मेडिकल। न्यूरोसाइकेट्रिक एंड मेडिकल। न्यूरोसाइकेट्रिक में हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन देखने को मिल सकता है अल्कोहल यूज़ की वजह से, है ना। शॉर्ट टर्म में एंग्जाइटी रिलीफ हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंस देखने को मिलता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकते हैं यार। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, एल्कोहल विड्रॉल, डिलीरियम देखने को मिल सकता है। ये तो न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशन हो गए ना। मेडिकल कॉम्प्लिकेशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास फैटी लीवर देखने को मिल सकता है, सिरोसिस एंड हिपेटोसेलर कार्सिनोमा मिलने देखने को मिल सकता है यार, इसोफेजाइटिस, ओके, एंड ड्यूपेंट्रिन्स कॉन्ट्रेक्चर देखने को मिल सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे इसके, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स मतलब जो है उसको यहाँ पे ट्रीट करेंगे, लाइक अगर पाल्पिटेशन हो रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसको, एंड सपोर्टिव फैटी लिवर हो गया तो उसको ट्रीट करेंगे, सोफेजाइटिस हो गया तो उसको ट्रीट करेंगे, सिरोसिस हो गया तो उसको ट्रीट करेंगे, एसएससी हो गया तो उसको ट्रीट करेंगे, सपोर्टिव साइकोथेरेपी करते हैं एंड ड्रग्स दे सकते हैं लाइक
नाल्ट्रेक्सोन, एन डाइसल्फिराम। नाल्ट्रेक्सोन के अंदर इट इज व्हाट इट इज एन ओफिएट एंटागोनिस्ट। विटामिन बी12 सप्लीमेंटेशन भी करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आपको जो लिखना है अल्कोहल डिपेंडेंस का, अगर क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर में आता है जनरली, तो ये हो गया नोट्स हमारे पास।